हमारे हॉस्पिटल में बहुत दिन से एक नेबुलाइजर बंद थी, उसका वायर जल गया था। तो हमने सोचा कि इसको रिपेयर कर दिया जाए, तो कैंची शायद इसको कट कर दिया है, कैंची रहती है हॉस्पिटल में। तो जहाँ जिस जिस पार्ट में जल गया था उस पार्ट को हमने रिमूव कर दिया है कट करके, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो कट कर दिया है। इसका फ्लो बहुत अच्छा है, BPL की मशीन है ये, तो इसके वायर्स फिर से जोड़ देंगे और इसका फ्लो बहुत अच्छा है। अभी हम आपको बताएंगे वीडियो में, आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे तो कैसे बहुत अच्छी मशीन है BPL की। इसके तीनों वायर जल गए थे, तो वापस इसको हम माइक्रोपोर की सहायता से चिपका देंगे। और ये अच्छे से चलने लग जाएगी, पैसे पहले जैसे चल रही थी, पैसे पहले जैसे वर्क कर रही थी वैसा वैसा वर्क करेगी। उसका फ्लो बहुत अच्छा है, हमने पूरा चेक किया है इसको आगे वीडियो में। तो देखो इसके तीनों वायर जल गए थे, शॉर्ट सर्किट के कारण नेबुलाइजर जल गई थी, लेकिन वायर को वापस फिर से जोड़ देंगे। जो जला हुआ भाग उसको हमने रिमूव कर दिया है और न्यू जो अच्छा वाला फ्रेश है उसको वापस से जोड़ देंगे। माइक्रोपोर की सहायता से हमने जोड़ दिया है, ताकि फिर से ये वो मशीन जिस कंडीशन में चल रही थी उस कंडीशन में वापस चलने लग जाएगी। और अच्छे से इसका फ्लो भी बहुत अच्छा है, BPL की मशीन है ये नेबुलाइजर की, जिससे अपन भाप देते हैं ड्यूलिन बुडाकोट से नेबुलाइजर देते हैं नेप किट की सहायता से। जैसा कि हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे कि हमारा पहले जैसा इसका वर्क हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पहले जैसे कंडीशन में चलने लग गए अभी नेबुलाइजर मशीन। अब उनको वापस से जैसे वापस से इसके स्क्रू कस देंगे बंद करने, वापस ने चेक कर लिया है मशीन चलने लग गई है। इसका नेबुलाइजर बहुत अच्छा फ्लो है, BPL की मशीन है ये। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।